नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और क्रिकेटिंग मौसम है पिछले साल से ही शुरू है, क्योंकि पिछले साल T20 का वर्ल्ड कप था और उसके बाद अभी IPL हो रहा है और अब हमें टेस्ट चैम्पियनशिप भी दिखी। अब जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि भारत में ही होने वाला है, तो इसीलिए काफ़ी क्रिकेट है और भारत में वैसे भी क्रिकेट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। भारत एक कहें तो सुपर पावर भी है क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर भी हमें उतनी ज़्यादा सफलता देखने को नहीं मिल रही है ICC इवेंट्स में। अब जब से महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हुए हैं उसके बाद से भारत ने एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है। महेंद्र सिंह के खाते में सबसे सफलतम कप्तान माने जाते हैं, उनके खाते में एक वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, एक T20 का वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी है। तो अभी फिर भारत हिस्सा लेने वाला है, कैंपेन इसका स्टार्ट होगा, हम 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी अभी हाल ही में टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। पूरे साल अच्छे परफॉर्मेंस के बाद हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। पिछले साल भी T20 में हम हार गए थे पहले ही, मतलब हम तो सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाए थे। तो ये कारण कुछ अब डाउट क्रिएट करते हैं फैंस में कि क्या हम इस साल भी कुछ कर पाएंगे। तो ये डाउट कहाँ से आ रहे हैं, ये स्टेबिलिटी का भी कुछ मसला है। इस बार तो रोहित शर्मा की अगुवाई में थे, इससे पहले विराट कोहली थे कप्तान, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद बनाए गए थे। तो चलिए हम थोड़ा इसमें ही थोड़ा देखेंगे। और इस बार जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो विराट कोहली को लेके रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कप्तानी इस पूरे महेंद्र सिंह धोनी के बाद के एरा में वो विराट कोहली के अंदर ही रही है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे जो बात है, विराट कोहली को एक बहुत ही अच्छी टीम मिली थी, जो इकोसिस्टम भी कहें तो वो भी बहुत अच्छा मिला था। टीम तो भले विराट कोहली अपनी खुद की चूज कर सकते थे, लेकिन जो पूरा एक प्रोसेस था वो मतलब सबसे अच्छा अगर कहें वो विराट कोहली के लिए ही तैयार किया गया था। अब उसमें कुछ कारण क्या रहे थे, तो सबसे पहली बात है कि 2013 के IPL में कुछ स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, उसके ऊपर केसेस चलाए गए थे, जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर वहाँ पे केसेस दिए गए थे, सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जस्टिस आर एम लोधा इनका एक पैनल गठित किया था, जो कि बहुत सारे करेक्शंस, बहुत सारे रिफॉर्म्स की बातें उन्होंने की थी। और फिर जो BCCI था, एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन लाया गया था, उसको गवर्न करने वाले थे COA, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसके चीफ बनाए गए थे विनोद राय, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आगे। तो उस समय BCCI इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम कर रही थी। तो 2017 तक ही ये चला था और उसके बाद ही फिर नॉर्मली जो BCCI जैसे फंक्शन करती है वैसे ही सौरव गांगुली को का चुनाव हुआ था और वो BCCI प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन इस दौरान जो बात थी वो सुप्रीम कोर्ट के रन में, उसमें हुआ क्या था, पहले तो ये विनोद राय हैं जो कि एक्स ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं और एक्स कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसको कहते हैं, उसके ये चीफ रहे हैं। इन्होंने फिर अपनी किताब लिखी, वह किताब के बारे में तो नहीं जानूंगा, जाते हैं उसमें। यहाँ पे तो बात मैं सिर्फ ये करना चाहूँगा, जो इसका इनका जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि I am content दैट वी ब्राउट अ प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच टू BCCI, विनोद राय। अब इसका मतलब क्या है, तो BCCI जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो आपको पॉलिटिक्स दिखते ही है। इससे पहले भी BCCI और प्लेयर्स के बीच में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुए थे, कोचेज के बीच में भी ग्रेग चैपल का मामला सौरभ गांगुली के साथ काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। उससे पहले फिक्सिंग में मोहम्मद अजरुद्दीन जो उस समय के कप्तान थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनको बैन कर दिया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो कोई नई बात नहीं है,
लेकिन यहाँ पे जो इनका अप्रोच था विनोद राय का, ये ऐसा था कि जो प्लेयर्स ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि सही में विनोद राय का क्रिकेट से कोई खास गवर्निंग के तौर पे कोई खास लेना देना नहीं था, ये तो आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनके साथ एक रामचंद्र गुहा थे जो कि हिस्टोरियन राइटर हैं, उनका भी वो भी क्रिकेट के फ़ैन है, लेकिन बस फैन है, उनको भी उस कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में डाला गया था। तो इसीलिए ये अपना जो एक तरह से डेलीगेट कर दिया था अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग या सिस्टम को चलाने के लिए कैसे क्रिकेट टीम चलेगी वो विराट कोहली के ऊपर। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ विराट कोहली को, तो ये आप देख सकते हैं, कैप्टन बनाया गया था अनिल कुंबले को, और विराट कोहली उस समय कप्तान थे, सॉरी अनिल कुंबले को कोच बनाया गया था, और एक साल में ही अनिल कुंबले को निकाल दिया गया, और उस निकालने का कारण विराट कोहली खुद थे, ये सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अब ये था कि ये दोनों एक पेज पे नहीं थे, ये बार बार लोग कहते हैं, और जो BCCI में पहले अधिकारी थे रत्नाकर शेट्टी, उन्होंने भी ये बात कही है। अब जो भी बात रही है उनके बीच में, लेकिन विराट कोहली के पास इतनी पावर आ जाना कि एक बहुत ही मजे हुए, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही स्टीम्ड जो एक्स क्रिकेटर हैं, भारतीय रिकॉर्ड बॉलर हैं, उनको कोच के पद से विद इन वन ईयर निकाल दिया गया था, और बस एक चैंपियंस ट्रॉफी की हार के कारण। अब वो हार तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मिली थी, इससे पहले भी महेंद्र सिंह धोनी भी हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले आपके दादा भी हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से, तो उस समय इतना मामला नहीं चला था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैलेंस रहता, एडमिनिस्ट्रेटर अपने तौर पे रहता और जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने तौर पे, तो इस बैलेंस के में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। लेकिन कोई प्लेयर जब अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने लगे, एज ए वो अपने आप को एक गवर्निंग बॉडी की तरह देखने लगे, तो विराट कोहली ने फिर रवि शास्त्री को अपॉइंट करवाया था, ये उनकी अपॉइंटमेंट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये रवि शास्त्री के साथ बहुत सारे मैचेस जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बहुत सारे मैचेस विराट कोहली ने जीते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैचेस वो बायलैटरल ही रहे हैं ICC इवेंट में, फिर भी विराट कोहली के अंदर अगुवाई में कोई सफलता नहीं मिली। अब इसके साथ ही और क्या बात हुई थी, तो एग्रेशन तो विराट कोहली का जग जाहिर है ही, वो सही है, लेकिन टॉक्सिसिटी भी इससे आती है। अब इसका मैं एक कंपेरेटिव सिनेरियो दूँ, तो आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी स्टीव वॉ, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, इसके बीच में वो अनबीटेबल टीम थी, मतलब इतने सारे वर्ल्ड कप जीते थे, उनका मुकाबला ही नहीं था, अनपैरेलल वो टीम रही थी। लेकिन फिर वो जो जीतने का और एग्रेशन उनका ये जग जाहिर था, वो स्लेजिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे थे और बहुत कुछ उनका ये था, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। लेकिन धीरे धीरे माइकल क्लार्क जो कप्तान बने, तो वो जो टॉक्सिसिटी वाला नेचर एग्रेशन टॉक्सिसिटी में टर्न हो गया। उसके बाद जब रॉक बॉटम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिट की थी, वो चीटिंग स्कैंडल था, सैंड पेपर से जो क्रिकेटिंग बॉल है वो टेस्ट की बॉल को सरफेस रफ कर रहे थे, तो उसमें वो चीटिंग पकड़ी गई और बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैन हो गए थे उस समय, तो वो रॉक बॉटम था। और उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम फिर उतनी रिकवर नहीं हो पाई, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई जो पहले हुआ करती थी। तो वही अब सिलसिला यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि देख सकते हैं कि विराट कोहली के समय ही बहुत सारे चीफ सीनियर प्लेयर्स जो थे वो भी इनसे अपसेट थे, उसमें आर अश्विन का भी नाम है, तो जैसे ये कह सकते हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स डायरेक्टली जाके BCCI को उन्होंने शिकायत की थी, क्योंकि ये कहीं किसी के सुन नहीं रहे थे, और इनके समय में ऐसा लग रहा था कि सब प्लेयर्स डरे हुए हैं कि इनका पोजीशन जो टीम में रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे एक खास नाम है आपका शिखर धवन, उनका टीम में रहना,
उसके अलावा भी अजिंक्य रहाणे हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीम में थे खिलाड़ी जो अपने आप को सिक्योर नहीं समझ पा रहे थे और इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस भी लो था, तो ये एक था। उसके अलावा फिर चेतन शर्मा की भी बात मैं करूँगा। ये देख ले कि सबसे जो एक कहें टचिंग पॉइंट विराट कोहली के लिए उनकी कैप्टेंसी में आया था वो था कि भारतीय टीम सबसे मतलब पहली बार अगर देखें तो वो पाकिस्तान से एक आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में हार गई थी फर्स्ट टाइम, वरना हम कभी हारे नहीं थे। तो ये जो मुकाबला था ये इंडिया पाक के बीच में 2021 का वर्ल्ड कप था। अब इसमें देख ले यहाँ पे सब वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस जो भी पाकिस्तान के साथ हुए हैं 50 ओवर में देख ले 1992 से ही, 96 में, 99 में, 2003, 2011, 2015, 2009 हर तरफ वो जीते हुए हैं। 2007 में तो हम बाहर ही आ गए थे पहले ही, तो मुकाबला हुआ नहीं था। अब T20 वर्ल्ड कप में पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में एक बार और दो बार मैच आमना सामना हुआ था और दोनों बार हमने उन पर जीत ही हासिल की थी, टाई ब्रेकर हुआ था। तो उसके बाद 2012 में भी हम जीते, 2014 में जीते और 2016 में जीते, ये भी विराट कोहली के, ये सॉरी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में था। 2021 में फिर हम पाकिस्तान से हार गए और ये बहुत ही एक बड़ी हार थी और विराट कोहली के कैप्टेंसी पे भी बहुत सारे सवाल उठाने लगी थी। अब इस वजह से जब सौरभ गांगुली ने उनको बोला, उनको T20 से हटा दिया था, ODI से भी बाद में हटा दिया था और जो टेस्ट से विराट कोहली ने खुद ही हट गए थे, तो एक ईगो का मसला भी बन गया था। सौरभ गांगुली उस समय एडमिनिस्ट्रेटर चीफ बन गए थे BCCI के, यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेतन शर्मा उस समय सेलेक्टर थे, उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि जो किस तरह से एक ईगो क्लैश हुआ था और उस समय विराट कोहली अपने आप को पैरेलल टू द BCCI प्रेसिडेंट समझ रहे थे, तो इन दोनों के बीच में क्लैश लाजमी था। लेकिन क्लैश ऐसा भी नहीं था कि सौरभ गांगुली बिल्कुल ही विराट कोहली के पीछे पड़े थे कि उनको हटाने ही या कोई दुश्मनी था या वो किसी और प्लेयर के फेवर में काम कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। यही बात थी कि एक तो सबसे पहली बात है कि विराट कोहली पाकिस्तान से हार चुके थे। अब एक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से हारने के बाद अनिल कुंबले को आपने हटा दिया, तो फिर इसमें तो अब पहली बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हार रही थी उस समय भारत की। तो फिर विराट कोहली के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मायूस भी हुए थे, गुस्सा भी हुए थे सौरभ पे। तो लेकिन बात ऐसी थी कि उनका अपना भी एक कहें कि जो टॉक्सिसिटी एग्रेशन में होता है और वो उनका अपना फॉर्म भी स्लम्प कर रहा था, परफॉर्म कर रहे थे 40-50 रन उनका जा रहा था लेकिन फिर भी उनके सेंचुरीज नहीं आ रहे थे। 3 साल तक उनकी सेंचुरीज नहीं आई हैं, टेस्ट में भी वो अब सबसे ज़्यादा सेंचुरी करने वाले में से नहीं, मतलब अगर अभी के कॉन्टेम्प्रेरी जो अभी के प्लेयर्स हैं करेंटली उनमें सबसे लीड नहीं कर रहे हैं जैसे वो वनडे में कर रहे हैं। और साथ में आप IPL में भी देखें, उसमें भी उन्होंने कैप्टेंसी बहुत सालों से रखी है लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी कोई अभी तक IPL ट्रॉफी नहीं जीती है। तो ये वहाँ पे भी सब उनका परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हमेशा से कहते हैं लोग, किंग कोहली कहते हैं, लेकिन फिर भी ट्रॉफी उनसे जाती रही है। तो इस वजह से भी ये बात लगी थी। और उसके बाद 3 फॉर्मेट की कैप्टेंसी वो थोड़ा ज़्यादा भारी लगता है। तो अभी देखें, अभी थोड़ा बहुत स्टेबल नहीं हुई है टीम, रोहित शर्मा को एज ए डिफैक्टो कैप्टन बनाया गया है T20 का, लेकिन जो आपका पांड्या वो कैप्टन बन रहे हैं, फ्यूचर कैप्टन, उन्होंने कुछ गेम्स भी खेले हैं अपनी कप्तानी में। और उसके अलावा आगे देखा जा रहा है कि फ्यूचर में कौन कैप्टन बनेगा टेस्ट टीम का भी और ODI का भी। तो यही अभी एक स्टेबिलिटी का मसला हमें नज़र आ रहा है
फिर साथ में इंजरीज प्रॉब्लम में भी हमें देखने को मिल रही है। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स भारतीय टीम की, जो कि आपके जसप्रीत बुमराह हैं बॉलिंग में, और दूसरा आपके जो विकेट कीपर नए जिनका एक्सीडेंट हो गया था, वो उन दोनों का अभी टीम में आना नहीं हो रहा है। श्रेयस अय्यर भी बाहर है, तो ये सारा मामला अभी थोड़ा सा डवाडोल लग रहा है। फिर भी होपफुली बीसीसीआई के पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक स्ट्रांग टीम भेज सकते हैं। तब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। तो यही बात है विराट कोहली का संदर्भ में भी, जो एक टीम का बिहेवियर हो गया था, वो इनसिक्योरिटी, वो फिर पाकिस्तान से हारना, सब कुछ ये देखने को मिल रहा था। हो सकता है इस वर्ल्ड कप में हम सही मुकाबला करें, क्योंकि घर का वर्ल्ड कप है, अपने देश में खेला जाएगा। और रोहित की कप्तानी, रोहित भी बहुत दिनों से अपने फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, विराट कोहली भी अपना असली फॉर्म जो है वो अभी आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी उनका भी वही चल रहा है। तो देखिए क्या होता है। ये आपके सामने मैंने कुछ बातें रखी है, आपकी अपनी राय मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ में ट्विटर पे और फेसबुक पे भी मुझसे जुड़े। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।